हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ समीर। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम हम मिले थे, मैंने आपको मैथ्स किस तरह से सॉल्व करना चाहिए बताया था। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम मैथ्स को पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम मैथ्स को समझ सकते हैं। कहने के लिए लोग कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है समझने के लिए। किस तरह से इसमें काम होता है, किस तरह से चीज़ों को मिला दिया जाता है, किस तरह से रेट्स बन जाते हैं, ये उनको समझ में नहीं आता है। उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटिव चैप्टर है। फिर से वही बात मैं कहता हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है, बस वो नई होती है। जब हम उस चीज़ को समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वही चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो हम बात करते हैं आज एक चैप्टर की जिसका नाम है मिक्सचर और एलिगेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रण, है ना। नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम टू और मोर देन टू चीज़ों, टू कमोडिटीज़ को, आर्टिकल्स को मिक्स करते हैं, दो वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं। वो मिलाते हैं, वो किस रेशियो में मिलाया जाएगा, ये चीज़ हमें इस चैप्टर से पता चलती है। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेडर है। ये मोस्टली चैप्टर कहाँ यूज़ होता है, मोस्टली चैप्टर वहाँ यूज़ होता है जो जहाँ पर लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ चीज़ों को लेते हैं, ख़रीदते हैं, परचेस करते हैं और फिर उसके बाद सेल करते हैं, उनको बेचते हैं, ठीक है। किस तरह से ये चैप्टर यूज़ होता है वो समझते हैं। देखिए, जैसे कि एक ट्रेडर है, मान लीजिए जो कि वीट यानी कि गेहूँ की ट्रेडिंग करता है, गेहूँ को ख़रीदता है और बेचता है, तो उसके पास अलग अलग क्वांटिटी के वीट्स आते हैं, गेहूं आते हैं, तो वो किस तरह से उनको मिक्स करता है, किस तरह से रेट्स बनाता है, वो चीज़ समझते हैं। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। जो चीज़ आपको पहले से ही पता है, बस मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए उसके पास एक क्वांटिटी है वीट की जिसका रेट है 15 रुपीज़ पर केजी, और एक और क्वांटिटी है उसके पास जिसका रेट है 25 रुपीज़ पर केजी। अब जब एक कस्टमर उसके पास आता है और बोलता है कि भाई मुझे गेहूं चाहिए, तो वो उसको दोनों दिखाएगा। 15 रुपये वाला डेफिनेटली लो क्वालिटी का होगा, 25 रुपीज़ वाला डेफिनेटली हाई क्वालिटी का होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्वालिटी लो और हाई, हाई और लो अगर हम देखें तो उसमें रेट बहुत वेरी करता है। तो ऐसी कंडीशन में एक कस्टमर उसके पास आता है और वो दोनों ही क्वांटिटी उसको दिखाता है, कहता है भाई ये 15 रुपये वाला है, ये 25 रुपये वाला है, बताइए आपको कौन सा चाहिए। तो कस्टमर कहता है सर ये जो 15 रुपीज़ पर केजी वाला वीट है ये बहुत ही लो क्वालिटी का है, ये तो मैं नहीं ले सकता, और ये 25 रुपीज़ पर केजी वाला जो वीट है ये बहुत हाई रेट का है, ये भी मैं नहीं ले सकता। आप कोई बीच का हो तो मुझे बताइए, वो मैं ले सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है, उसके पास कोई क्वांटिटी है ही नहीं, थर्ड क्वांटिटी नहीं है कुछ, तो वो क्या करेगा। और ऐसे उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, 15 रुपीज़ पर केजी वाला सेल हो रहा है, ना ही 25 रुपीज़ पर केजी वाला वीट सेल हो रहा है, फिर ऐसे में वो क्या करे। तो ऐसे में वो एक रास्ता निकालता है, इस रास्ते को ही एलिगेट करना कहते हैं, इस रास्ते को ही मिक्सचर कहते हैं। क्या रास्ता निकालता है, वो कहता है कि इन दोनों को मिला देता हूँ और एक ऐसी क्वांटिटी बना देता हूँ जिसमें गुड क्वालिटी वीट मिक्स हो जाए और रेट थोड़ा बढ़ जाए, रेट बढ़ जाएगा और अच्छी क्वालिटी का गेहूं भी मिक्स हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप। वो लो और हाई क्वालिटी को मिलाना चाहता है और मिलाकर ऐसी एक क्वांटिटी तैयार करना चाहता है जो कि थोड़ा सा रेट बढ़ाकर बेचने पर आसानी से बिक जाए। ये चीज देखिए, अब उसको क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा कि भाई कस्टमर आके उससे कितने रुपए प्रति किलो वाला गेहूं या वीट परचेस कर सकता है। तो उसने डिसाइड किया कि अगर मैं 18 रुपीज़ पर केजी बना लेता हूं मिक्सचर रेट, तो कस्टमर आके वो परचेस कर लेगा। तो अब उसे ये डिसाइड करना होगा
अब उसे ये डिसाइड करना होगा कि इन दोनों से 18 रुपीस पर केजी बनाने के लिए कितनी कितनी क्वांटिटी मात्रा लेनी होगी। वो कैसे डिसाइड करेगा? तो वो इस मेथड से डिसाइड करेगा। देखिए, ये जो रेट है, ये जो रेट है, इन दोनों का मिक्स रेट है, जिसे हम मीन रेट के नाम से जानते हैं, जो इन दोनों से मिलकर बनता है, इसी को हम एवरेज रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रेट जो होगा, ये डेफिनेटली किसी एक से हाई होगा और दूसरे से लो होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये मिक्स रेट किसी एक से हाई होगा और दूसरे से लो होगा, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तब हम किस तरह से ये पता कर सकते हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी और इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी होगी जिससे कि ये रेट हमें मिले। देखिए ध्यान से, 18 ऐसे हमें एलिगेट करना है, क्रॉस आना है, तब जाके एलिगेट हो पाएगा, तब जाके ये मिक्स रेट आ पाएगा। देखिए ध्यान से, 25 में से हम 18 माइनस कर देंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे रेशियो, और फिर उसके बाद 18 में से हम 15 माइनस करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं 18 जो है वो मोर देन 15 है और लेस देन 25 है, तो 25 में से 18 को माइनस किया गया और फिर 18 में से 15 को माइनस किया गया। इस तरह से हमें एक वैल्यू मिली, ये कितना आ गया हमारा 7, ये कितना आ गया हमारा 3। इस तरह से हमें पता चला कि जो 15 रुपीस पर केजी वाले वीट या गेहूं हैं, उनके 7 पार्ट्स, ये रेशियो मतलब व्हाट, रेशियो का क्या मतलब है? रेशियो मींस होते हैं पार्ट्स, इसको हिंदी में हम कहेंगे भाग, हिस्से। ये 7 पार्ट्स लेने होंगे हमें 15 रुपीस पर केजी के, और 3 पार्ट्स लेने होंगे हमें 25 रुपीस पर केजी के। जब ये पार्ट्स मिक्स करेंगे तब जाके हमें 18 रुपीस पर केजी का रेट मिलेगा। समझ में आई बात आपको कि 7 पार्ट्स, इसको मैं केजी का नाम दे दूं, 7 किलो गेहूं मुझे लेने होंगे 15 रुपए प्रति किलो वाले, और 3 केजी वीट लेने होंगे मुझे 25 रुपीस पर केजी वाले। जैसे ही मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो 10 केजी क्वांटिटी बन जाएगी पर 18 रुपीस पर केजी के रेट। ये जो मेथड यूज किया गया है, यही मेथड है, यही कॉन्सेप्ट है एलिगेशन का, मिक्सर का। अब इनके नाम क्या है वो समझते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चीपर रेट, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, सस्ती दर। इसका नाम है डियरर रेट, हिंदी में कहेंगे इसको महंगी दर। और ये जो आपको दिख रही है, ये इसे कहते हैं मीन रेट। इसका दूसरा नाम होता है मैक्स रेट, इसका तीसरा नाम होता है एवरेज रेट, हिंदी में कहेंगे औसत दर, मिश्रित दर और माध्य दर, मतलब बीच का रेट है ना। और इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। आगे जब मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूंगा तो शॉर्ट में मैं इसे लिखूंगा सी, इसे लिखूंगा डी, इसे लिखूंगा एम, और फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए मेरा कॉन्सेप्ट होगा डी माइनस एम, एम माइनस सी। अगेन वैल्यू वही आएंगी 7 और 3। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें उनको सॉल्व करना है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर जो है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, सुनिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, अ गोल्ड स्मिथ हैज टू क्वालिटीज ऑफ गोल्ड, वन ऑफ 12 कैरेट्स एंड अनदर ऑफ 16 कैरेट्स। एक सुनार जिसके पास सोने की दो मात्राएं हैं,
जो कि 12 कैरेट और 16 कैरेट की हैं, इनको आपस में वो मिलाता है। क्वेश्चन ये है, इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड ही मिक्स बोथ टू मेक एन ऑर्नामेंट ऑफ 15 कैरेट प्योरिटी। अगर उसे एक गहना 15 कैरेट प्योरिटी का बनाना हो तो उसे इन्हें किस मात्रा में या किस अनुपात में मिलाना होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था, हमारी एक क्वालिटी कितनी है 12 कैरेट, दूसरी क्वालिटी कितनी है 16 कैरेट, इन दोनों को मिक्स करना है और कितना बनाना है 15 कैरेट। कैसे मिक्स करेंगे, कैसे एलिगेट करेंगे, ऐसे 15 12 से बड़ा होगा, 16 से छोटा होगा, तो हम 16 माइनस 15 कर देंगे और 15 माइनस 12 कर देंगे। इस तरह से हमारे पास क्वांटिटी आएगी 1, क्वांटिटी आएगी 3। तो हम ये पता कर पाए कि भाई जो 12 कैरेट गोल्ड होगा उसका एक पार्ट लेना होगा, एक पार्ट, 16 कैरेट गोल्ड जो होगा उसके थ्री पार्ट्स लेने होंगे, तब जाके इन टोटल 4 पार्ट्स का जो कैरेट बनेगा वो कितना बनेगा 15। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि 12 के लिए तो 3 आना चाहिए और 16 के लिए तो 1 आना चाहिए, क्योंकि ये 16 से बना है और ये 12 के लिए बना है। ऐसा नहीं होता है बेटा। जब आप देखते हैं x इज इक्वल टू 4, तो आप x को x नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, 4 कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो x के ठीक सामने, वैसे ही ये 12 के ठीक सामने, तो जो 1 होगा 12 के लिए यूज होगा। ये क्वांटिटी, ये मात्रा का अनुपात, ये जो 3 होगा ये 16 के लिए यूज होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसके जैसा, अ टी सेलर मिक्स 2 काइंड ऑफ टी, 1 एट रुपीज 15 पर केजी एंड अदर एट रुपीज 20 पर केजी। एक दुकानदार जिसके पास 2 प्रकार की चाय हैं, एक का रेट 15 रुपए प्रति किलो है, दूसरे का रेट 20 रुपए प्रति किलो है, इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स देम टू गेट द प्राइस मिक्सचर एट रुपीज 16.50। इन दोनों को वो किस अनुपात में मिलाए कि उसको मिलाने के बाद इनका जो रेट है वो 16.5 पड़े। बड़ा सिंपल है, मैंने आपको तरीका बताया है, ये 16 बड़ा होगा 15 से, 20 से छोटा होगा, तो 20 माइनस 16.5 करेंगे, रेशियो अनुपात 16.5 माइनस 15 करें, इस तरह से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू होगी 3.5, इसकी वैल्यू होगी 1.5। दोनों को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि रेशियो मींस होता है डिवाइड, रेशियो मींस होता है डिवाइड, हिंदी में अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल से डेसिमल कट होगा, 5 से कैंसिल होगा 7 और 3 टाइम, तो 15 रुपीज पर केजी के 7 पार्ट्स लेने होंगे और 20 रुपीज पर केजी के 3 पार्ट्स लेने होंगे। जैसे ही आप इन 10 पार्ट्स को मिक्स करते हैं तो आपका रेट 16.5 रुपीज पर केजी बनेगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुगर एट रुपीज 15 पर केजी इज मिक्स विद शुगर एट रुपीज 20 पर केजी इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 15 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तो मिश्रण का रेट मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए कैसे करना है सॉल्व, 15 रुपीज पर केजी
और अगला है 20 रुपीज़ पर केजी। इनको मिक्स करना है, मिक्स रेट हमें नहीं दिया, मिक्स रेट को हम कितना ले लेंगे, एक्स रुपीज़ पर केजी। ये रेशियो हमें दिया है 2:3, तो हमें ये रेशियो बनाना है, और जैसे ही हम इन तीनों से ये रेशियो बनाएंगे हमारे पास x की वैल्यू आएगी। कैसे बनाएंगे, हमें ये पता होना चाहिए x जो होगा वो 15 से कैसा होगा ग्रेटर और 20 से कैसा होगा स्मॉलर। ये बीच वाली संख्या किसी एक से बड़ी होती है और दूसरे से छोटी होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर ऐसा है तो ये टू पार्ट्स कैसे बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था 20 माइनस एक्स। ये वैल्यू बननी चाहिए थी 20 माइनस एक्स से, और ये वैल्यू बननी चाहिए एक्स माइनस 15 से। मतलब ये 20 माइनस एक्स 2 और एक्स माइनस 15 3 रेशियो के बराबर हो। क्या कहने का मतलब है, देखिए जब मैं इनका रेशियो लूंगा 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 15, जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो ये रेशियो बराबर आएगा 2/3 के, 2/3 के, क्योंकि ये जो क्वांटिटी का रेशियो है वो मुझे पहले से ही गिवन है, तो इस गिवन डेटा के सामने मैं अपनी वैल्यू रख दूं। इसको सॉल्व करूंगा और ये आ जाएगा हमारा 60 माइनस 3x 2x माइनस 30। 3x को शिफ्ट करूंगा माइनस वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 5x वैल्यू, 30 को शिफ्ट करूंगा माइनस वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 90, देन हमारा रेट आ जाएगा 18 रुपीज़ पर केजी हमारा रेट होगा, 18 रुपये प्रति किलो हमारा मिक्स रेट होगा। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो हम इस एलिगेशन मेथड से, मिक्सचर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कभी वो मिक्स रेट नहीं देगा तो हम मिक्स रेट इस तरह से निकाल सकते हैं, कभी वो रेशियो पूछेगा तो हम रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है, टू वेराइटीज ऑफ सोडा वाटर विद डिफरेंट प्राइजेस आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3। द प्राइस ऑफ फर्स्ट सोडा वाटर इज ₹10 पर लीटर, वाइल द प्राइस ऑफ सेकेंड सोडा वाटर इज ₹15 पर लीटर रिस्पेक्टिवली। द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर इज, आपसे बोला गया है के एक सोडा वाटर दो प्रकार, सोडा वाटर के दो प्रकार को हम 2:3 के अनुपात में मिलाएं। इसको मैं दोबारा बोल दूं इसी में ही। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, टू वेराइटीज ऑफ सोडा वाटर विद डिफरेंट प्राइजेस आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। द प्राइजेस ऑफ फर्स्ट सोडा वाटर इज ₹10 पर लीटर, while the prices of second soda water is ₹15 per liter respectively, the average price of the mixture is, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया कि एक सोडा वाटर को दूसरे सोडा वाटर से मिलाना है, पहले वाले का रेट ₹10 प्रति किलो है, दूसरे प्रति लीटर है, और दूसरे वाले का ₹15 प्रति लीटर है। इसको मिलाना है 2:3 के अनुपात में, और पूछा गया है मिक्स करने के बाद पर लीटर रेट कितना आएगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा ₹10 पर लीटर और ये हमारा ₹15 पर लीटर। इसको मिक्स करना है ₹x पर लीटर में और रेशियो बनाना है। भाई रेशियो क्या आएगा, रेशियो ऐसे आएगा, पहले तो ये पता होना चाहिए मिक्स वैल्यू चीपर से कैसी होती है मैक्सिमम, और डियरर से कैसी होती है मिनिमम। ये माध्य वैल्यू औसत मान, मिक्स मान, जो सस्ते वाले से बड़ा होता है और महंगे वाले से छोटा होता है, ये बात हमेशा याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, 15 में से एलिगेट करते हैं क्रॉस, ऐसे 15 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद x-10 करेंगे। तो ये हमें इनकी क्वांटिटी का रेशियो मिल गया, इनकी मात्राओं का अनुपात मिल गया, ये अनुपात हमें दिया गया है।
ये रेशियो हमें गिवन है, क्या है वो 2/3, तो इसका हम रेशियो बनाएंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 2/3 के, इसका अनुपात बनाएंगे हम और उसको बराबर रख देंगे 2/3 के और सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15 × 3 = 45 − 3x = 2x − 20, 3x शिफ्ट होगा 5x हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू शिफ्ट होगी फॉर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 65, 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30। तो हमारा x का जो मान होगा, जो वैल्यू होगी वो होगी 13 रुपीज़ पर kg। ये था हमारा एक और बेसिक क्वेश्चन। धीरे धीरे हम अपने एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारी बेसिक क्वेश्चन की क्लास है और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 65 स्टूडेंट इन अ क्लास, 39 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम सो दैट ईच बॉय गेट्स 80 पैसा एंड ईच गर्ल गेट्स 30 पैसा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास। आपसे बोला गया है कि एक क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 65 हैं और 39 रुपए हैं, कुल 39 रुपए हैं। ये 39 रुपए हमें बच्चों के बीच में इस प्रकार बांटने हैं कि एक लड़के को 80 पैसा मिले और एक लड़की को 30 पैसा मिले, और मानने के बाद हमें ये बताना है कि उस क्लास में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 65, है ना। लड़के को कितना पैसा देना है 80, गर्ल को पैसा देना है हमें 30, ठीक है। अगर हमें ये पता करना है कि बॉयज और गर्ल्स कितने होंगे, उनका रेशियो अगर हमें पता चल जाए तो हम इस टोटल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए बॉयज और गर्ल्स का मिक्स पैसा। ये कैसे पता चलेगा, ये हमें ऐसे पता चलेगा, टोटल अमाउंट हमें गिवन है 3900 पैसा। मैंने 39 रुपीज को पैसा में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये डिटेल मेरी पैसा में, ठीक है। मेरे पास टोटल 3900 रुपीज पैसा है, पर स्टूडेंट पैसा कितना होगा, एवरेज। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम अपॉन नंबर, औसत बराबर होता है, औसत की वैल्यू होती है योग बटे संख्या, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एवरेज वैल्यू, मिक्स वैल्यू, है ना। तो हम ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से। जल्दी कैसे फाइंड करेंगे, सम हमारा कितना है, टोटल अमाउंट कितना है 3900 रुपीज, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 65। तो जब मैं टोटल अमाउंट को 65 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पर स्टूडेंट एवरेज पैसा मिल जाएगा, वो कितना होगा, देखो 13 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 13 5 13 3 और 5 6, तो पर स्टूडेंट नॉट बॉय नॉट गर्ल, पर स्टूडेंट जो मेरा पैसा बन रहा है मिक्सचर में वो कितना बन रहा है 60। इससे मैं क्या करूंगा, इन दोनों का रेशियो फाइंड करूंगा, कैसे, 60 − 30 और 80 − 60, क्योंकि ये 60 किसी एक से स्मॉलर होगा तो दूसरे से ग्रेटर होगा, तो एक बार इसमें से माइनस करेंगे और एक बार इसे माइनस करेंगे, मिक्स वैल्यू को एक बार माइनस किया जाता है और एक बार उसमें से माइनस किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी हमारी 30, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 20, और हमारा रेशियो बनेगा 3/2, 3:2 हमारा रेशियो आ जाएगा। इसकी हेल्प से मैं बॉयज और गर्ल्स के 65 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। 65 क्या है, टोटल स्टूडेंट्स।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू अस बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो होगा, क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा, 3:2। इस हिसाब से टोटल 3+2 कितना होना चाहिए? 5। ये क्या है? पार्ट्स हैं, क्वांटिटी मात्रा है, भाग है। बॉयज के 3 पार्ट्स होंगे, गर्ल्स के 2 पार्ट्स होंगे, टोटल 5 पार्ट्स होंगे। तो 1 पार्ट वैल्यू कितनी होगी? 13। इस बेसिस पर बॉयज आना चाहिए 3 पार्ट, तो मल्टीप्लाई 3 करूंगा, और गर्ल्स आना चाहिए 2 पार्ट्स, तो मल्टीप्लाई 2 करूंगा। इस तरह से मेरी वैल्यू आ जाएगी, टोटल नंबर बॉयज आर 39 एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 26। इस तरह से हम इस क्वांटिटी को रेशियो फाइंड करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 65 के हमने 5 भाग किए, 1 पार्ट की वैल्यू, 1 भाग का मान 13 आया, फिर इंटू 3 कर दिया क्योंकि हमें लड़के चाहिए थे, फिर इंटू 2 किया क्योंकि हमें लड़की चाहिए, इंटू 3 करेंगे तो 39 बॉयज आ जाएंगे, इंटू 2 करेंगे तो 26 गर्ल्स आ जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमने देखा इसी मेथड से हम टोटल क्वांटिटी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि इन व्हाट रेशियो ऑफ टू वैरायटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग रुपीज 27 पर केजी एंड अदर कॉस्टिंग रुपीज 32 पर केजी, शुड बी ब्लेंडेड टू प्रोड्यूस अ ब्लेंडेड वैरायटी ऑफ टी वर्थ रुपीज 30 पर केजी, हाउ मच शुड बी द क्वांटिटी ऑफ सेकेंड वैरायटी ऑफ टी इफ द फर्स्ट वैरायटी ऑफ टी इज 60 केजी। इन्होंने बोला कि अगर दो प्रकार की क्या है हमारी चाय है, एक का रेट 27 रुपये प्रति किलो है, दूसरे का रेट 32 रुपये प्रति किलो है, इन दोनों को मिलाना है और मिलाकर 30 रुपये प्रति किलो रेट बनाना है। अगर पहले टाइप की क्वांटिटी 60 किलो हो तो दूसरे टाइप की क्वांटिटी कितनी होगी? चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट रेट जो है वो 27 रुपीज पर केजी है फर्स्ट क्वांटिटी। सेकेंड क्वांटिटी का रेट हमारा कितना है? 32 रुपीज पर केजी। इनसे हमें मिक्स बनाना है, उसका रेट कितना है? 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वांटिटी हमें गिवन है, फर्स्ट क्वांटिटी कितनी गिवन है हमारे, हमें 60 केजी। सेकेंड क्वांटिटी हमें पता करना है, अगर हम ये रेशियो पता कर लें जो कि क्वांटिटी का होता है तो हम उससे सेकेंड क्वांटिटी पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए 30 जो है वो किसी एक से बड़ा है तो दूसरे से छोटा होगा, तो 32 - 30 करेंगे। आप चाहें तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं और फिर 30 - 27 करें। इस तरह से हमारे पास क्वांटिटी आएगी 2 एंड 3। ठीक है, ये 2 पार्ट्स किसके होंगे? 27 रुपीज़ पर केजी के, 3 पार्ट्स होंगे 32 रुपीज़ पर केजी के। क्योंकि 2 पार्ट्स की वैल्यू हमें गिवन है 60, तो हम इस 60 को 2 से डिस्ट्रीब्यूट करके 1 पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं 30 केजी। और जब मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू होगी 30 केजी, तो मैं उससे 3 पार्ट्स की वैल्यू निकाल लूंगा क्योंकि यही मुझे चाहिए सेकेंड क्वांटिटी, जो कि कितना है? 3 पार्ट्स इज इक्वल टू 90 केजी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मेरे पास पहला रेट 27 है, दूसरा रेट 32 है, इन दोनों को मिक्स करके मुझे 30 रुपीज पर केजी बनाना है। मैंने पता किया इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, इनका अनुपात क्या आएगा, पहले मैंने अनुपात निकाला, फिर मुझे पता था कि जो फर्स्ट वैरायटी है उसकी क्वांटिटी तो 60 है, तो इस 60 को मैंने 2 से डिस्ट्रीब्यूट किया, मुझे एक पार्ट की, एक भाग की मान, एक भाग का मान पता चल गया जो कि कितना है? 30। मैंने उठा के मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो मुझे वैल्यू मिल गई सेकेंड क्वांटिटी की। सेकेंड क्वांटिटी कितना पार्ट है? 3 पार्ट मल्टीप्लाई 3।
डायरेक्ट कितना आ जाएगा 90 kg। चलिए तो आज की क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसी के ही आगे जो थोड़े इससे एडवांस क्वेश्चन है वो बताऊंगा, और इस तरह से 2-3 क्लास में पूरे के पूरे चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।